वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिश्रा ब्रोस ट्रैवलिंग अगेन। तो पता ही था, आज बोले भी थे शुरू में वीडियो में कि आज दो जगह चलेंगे देखने के लिए। तो आज आ गए हैं जगह पे, तो आ गए हैं आज वेस्ट टू वंडर, मतलब दुनिया के साथ अजूबे एक ही पार्क में बनाए गए हैं, वो भी कचरे के सामान से, मतलब कि प्लास्टिक टीन उन देख ही सकते हैं आप। वेस्ट टू वंडर तो टिकट ले लिए हैं, तो एडल्ट का टिकट 50 रुपये, तो मैं और मेरा भाई है तो दो टिकट ले लिए, 100 रुपये पड़ा। अब चलते हैं अंदर क्या है। तो वेस्ट टू अंडर में आने के लिए नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है, क्या कहते हैं, हज़रत निज़ामुद्दीन मेट्रो स्टेशन। तो आप यहाँ आ सकते हैं और यहाँ से कोई ऑटो ऑटो लेने की जरूरत नहीं है, मिला जगह 100-150 मीटर पड़ता है मेट्रो स्टेशन से यहाँ आने के लिए, तो आप आ सकते हैं डायरेक्ट। और इसके अंदर वही 7 अजूबे चीज़ जैसे कि ताजमहल, पेरिस का आईफिल टावर, और भी क्या कहते हैं इटली का, चलिए दिखाता भी हूँ आपको क्या है अंदर। देख सकते हैं आज भीड़ भी बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते, संडे को बहुत रहते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं देखने के लिए। और देख ही सकते हैं एकदम पेड़ पौधे एकदम इधर भी चारों ओर लगाए गए हैं, बस आनंद ले जिधर भी जाएं, प्रकृति का आनंद लेते रहें। तो बेसिक जानकारी के लिए बता दूँ कि इस पार्क के अंदर 7 अजूबे हैं, और 7 अजूबे मतलब कि कचरे, क्या कहते हैं, साइकिल के रिम और लकड़ी, क्या कहते हैं, चेन और क्या कहते हैं छड़ जो बेकार रहते हैं उससे बनाया गया। तो पहला अजूबा आपको मिला दें, पहला अजूबा स्टैचू ऑफ लिबर्टी, देख ही सकते हैं मेरे पीछे हाथ लेके खड़ा है, आपको दिखाता हूँ आगे। देख सकते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी, इसकी हाइट है 32 फीट, देख ही सकते हैं यहाँ पे। मैं भी सोच रहा हूँ इसी तरह एक फ़ोटो खिंचा लूँ हाथ में लेके, क्या कहते हैं वो पुस्तक पकड़ रखे हैं। देखिए पहला अजूबा तो दिखा दिया स्टैचू ऑफ लिबर्टी, अब चलते हैं दूसरे अजूबे की ओर और देखते हैं दूसरे में अब क्या मिलता है। ये देखिए दूसरा अजूबा, ये 38 मीटर ऊंची मूर्ति है और ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो नाम है, रियो डी जेनेरियो में स्थित है। देख सकते हैं आप किस तरह ये बंदर लटका हुआ है, ओरिजिनली पूरे के पूरे डुप्लीकेट ही है। अब चलते हैं तीसरे अजूबे की ओर जो कि हमारे इंडिया में ही है, और देख ही सकते हैं किस तरह यहाँ फोटो खींचा जा रहा है, ये देख ही सकते हैं आप लोग पहचान ही रहोगे ये क्या है, ये है ताजमहल, ये देख ही सकते हैं ये है ताजमहल तीसरा। जैसा कि आप लोग देख ही ले तीसरा अजूबा, जो कि तीसरा अजूबा मुझे सबसे पसंद आया और फोटो भी मतलब बेहतरीन करके बनाया है, मतलब कलाकारी क्या कूट कूट के हमारे देश में भरा है। अब चलते हैं चौथे की ओर, हम लोग आ गए हैं चौथे अजूबे की ओर, इसका नाम है कोलोजियम जो कि इटली के रोम शहर में स्थित है। ये आपको खंडर टाइप का लग रहा है, बल्कि खंडर ही है, इसमें एक बार में 65,000 आदमी इसके अंदर आ सकते हैं, और ये तो यहाँ छोटा है बनाया गया है, बल इटली जाके देखिएगा तो ये 6 एकड़ में फैला है जो कि बहुत बड़ी बात है अपने में। तो चलते हैं देखते हैं आगे क्या है, बेहतरीन है, बाहर से इतना बेहतरीन लग रहा है तो सोचिए इटली में कैसा होगा। तो कभी भी मौका मिले आइए यहाँ, इटली उटली तो जाना सबकी बात है नहीं, तो यहीं से आके आप देख सकते हैं, आनंद ले सकते हैं इसका। ये चौथा हो गया और आप इसके बाद आप चलेंगे पाँचवें की ओर। खास बात है कि जितने भी यहाँ अजूबे बनाए गए हैं वो कोई मतलब दामी क्या कहते हैं चीज़ जो कुछ भी कह लूँ छड़ सीमेंट कुछ उपयोग नहीं किया, जितने भी कूड़े करकट वही उद्देश्य निकाली कि पर्यावरण को बचाना है, तो बस इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ बनाया गया है। देखिए चलते चलते हम लोग आ गए हैं पाँचवें अजूबे की ओर, तो इसको तो मेरे को लग रहा है बताने का आप लोग को ज़रूरत है नहीं, आप लोग तो ऐसे ही जान गए होगे क्या है ये, तो जिनको पता नहीं है उनको मैं बता दूँ, ये पेरिस का एफिल टावर है, देख ही सकते हैं आप क्या बनाया है। The person you are trying to call is currently busy. Busy in a world that needs no buffering. देख ही सकते हैं हम लोग आ गए हैं पांचवा अजूबा देखने के लिए, यह है पिसा का झुका मंदिर जो कि यूरोप के पिसा शहर में स्थित है, ये झुका हुआ एक साइड,
देख ही सकते हैं ये 60 मीटर ऊंचा है। इधर से धूप आ रही है, देख ही सकते हैं। ये है पांचवा अजूबा और ये भी बेकार लकड़ियों के द्वारा बनाया गया है। चलिए इसने तो कुछ खास नहीं, तो इसमें ज़्यादा आप लोग का टाइम नहीं लेंगे, तो अगले वाले में देख सकते हैं। हम लोग आ गए हैं छठवां अजूबा की देखने के लिए। तो ये आप लोग बहुत को पता होगा, नहीं भी पता होगा, ये पिरामिड। ये पिरामिड आप देख ही सकते हैं, इसकी लंबाई चौड़ाई का तो पता नहीं है। ये मिस्र देश में स्थित है और बहुत ही भव्य लग रहा है देखने में, बहुत ही शानदार है। और ये पिरामिड पूरे का पूरा लोहे के द्वारा बनाया गया है, देख ही सकते हैं कितने लोग यहाँ पे हैं। ये है छठा अजूबा और देखते हैं सातवें में अब क्या है। मैं क्या लग रहा है मैं गिनती गलत कर रहा हूँ। हाँ तो हम दोनों तो घूम लिए और शायद मेरे से गिनने में ही गलती हो गया, 7 का 7 था यहीं पे, घूमने पता नहीं चला इसलिए 6 का 7 बना दिया मैंने। तो घूम लिए और एक चीज़ ये बताना भूल गया था कि खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं है, खाने पीने का भी अंदर ही है, देख ही सकते हैं आप पीछे खाने पीने का रेस्टोरेंट है, आप यहाँ पर ही खा सकते हैं अगर बाहर से अगर भूखे हो या खा के नहीं आ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमारा घूमा तो हो गया, अब एक बार बाहर बाहर चलते हैं, निकलते हैं। सेवन वंडर बहुत ही मस्त जगह था, आइए और घूमिए।